मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। नीचे मजा आ रहा है, घूम रहा हूँ, मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई एम रेडी टू गो कॉलेज। मुझे मिले हैं मेरे फ्रेंड डेविड रमन। मिस्टर डेविड रमन, कहाँ जा रहे हैं आप? खेलने। कहाँ पर? के पास। गाइस, अभी हमारे साथ हैं हमारे सीनियर्स और मजे कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर इन। ये क्या बात करते हैं यार, बहुत मजे कर रहे हैं, इतने मजे कर रहे हैं, इतने मजे सबके लगे बस। अगली बार आपके भी लगेंगे ऐसे मजे। हाँ, तो मुझे लगता है अब इनका जो काम है वो पूरा हो चुका है। और नहीं, अभी नहीं हुआ है, विदाई समारोह है। अभी विदाई समारोह यहाँ होता है वैसे? विदाई समारोह आप लोगों पे डिपेंड है। विदाई समारोह जरूर दिया जाएगा आपको, विदाई बड़े धूमधाम से। परंतु अभी विदाई समारोह से पहले हम चाहते हैं कि हमारा आपसी तालमेल बढ़े, इसलिए एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। हमने अपने आप पे फोकस करें अच्छे से। मतलब आपके भाई हाउस के बच्चे हैं ये, हमारे हाउस के मैम अब्दुल कलाम हाउस, ये सारे अब्दुल कलाम हाउस, सारे अब्दुल कलाम हाउस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां लगे हुए कल्चर वाले, मैं तो ऐसी ब्लॉगिंग बनाता हूं। जिस हिसाब से हमें बताया गया है कि हम वरिष्ठ वर्ग को आपको बताना या जो कुछ भी चीजें आगे बढ़ानी है, मेरे पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जिस बारे में मतलब आपको कुछ भी बता सकूं। इसका क्या कारण है, आप क्या पक्ष रखेंगे अपना? मेरा कोई पक्ष नहीं है सर। आप जो काम से आए हिस्सा है, ठीक है, तो मतलब ये नहीं होता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन या जो भी है, जिम्मेवारी सबकी होती है। इनको भी लीजिए ब्लॉक में, ये सोचाएंगे इस बारे में क्यों वो रिपोर्ट नहीं पहुंची मेरे पास अभी तक। कितने प्रतिभागी है आप अपने नुमाइंदे इन तक भेजिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस। चलो, इस बात पे हम आपसे खुश हैं क्योंकि जो अपनी बात मानता है या गलती भी नहीं कह सकते, परंतु अपनी बात मान लेता है कि हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है, चूक हुई है, परंतु आगे की कार्यवाही देखें। इसके बाद जब भी मिल सकते हैं मिले मेरे साथ, जरूर मिलेंगे सर। तो सर, अब हम आपसे ये पूछेंगे, आप सभी से पूछेंगे कि आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, डिफरेंट स्कूल्स में गए हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं स्कूल में थे, क्योंकि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मशाला में रहा। वहाँ पे मैं एक बहुत ही अलग माहौल में रहा क्योंकि उस माहौल की ना मेरे को आदत थी ना मैं उसमें रहा था, ठीक है। मेरे साथ ही उसमें अधिकतर कन्याएं थी और विद्यालय में भी मेरे को कन्याएं थी, परंतु एक बात का फायदा मिला कि मेरे को उनके मन को पढ़ने का पता चला। एक जो उनकी किशोरावस्था की आयु है उसमें उनकी किस प्रकार की सोच रहती है या कुछ चीज़ें किस प्रकार घटित होती है, घटनाक्रम का पता चला। मैंने अपने हिसाब से चीज़ें सोचने का मतलब हर तरीके से सोचा। इसके साथ ही चलो इनके अब ये बताएंगे या कुछ बता सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं प्लीज सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड बताइए। मैं रोड से नाम बताओ पूरा अच्छे से बताते हैं क्या मैं रोड से हूँ। सो सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्कूल? बहुत बढ़िया रहा। और अच्छा, फ्री के मिड डे मील खाया? मिड डे मील तो नहीं खाया पर अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, कॉलेज से अच्छा रहा स्कूल का। सर आप कहाँ से? ये तो जो नीचे वाले पास वाले ये आप इनसे पूछिए, ये इनका आप कहाँ से? मैं चौपाल से हूँ और मैं बगली स्कूल में था और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा। बगली में इन्होंने बहुत ही खलबली मचा दी थी, हमने बहुत खलबली मचाई वहाँ पे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब 4 महीने में जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो आपकी फैमिली की तरह बन जाते हैं, मतलब कॉलेज के बाद भी वो आपके साथ रहते हैं। इनका ग्रुप ही ज्यादा फैमिली बनाता है, इनका सबसे अच्छा पारिवारिक माहौल। अभी अभी जो है ट्रिप मार के आए हैं काफी लंबी, वैष्णो माता जाके आए और ये अमृतसर, ये चंबा जाके आए हैं। आप सर जलंधर भी जाके आए? अभी तो चंबा गए थे आप सर, आप शिमला से हो? मैं मंडी से। मंडी से हो, चंबा कैसे? तो चंबा कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आप कैसे किस प्रकार से अलग है मंडी से और डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज कुछ? मतलब काफी टफ है, मतलब वहाँ के लोग बेसिक जो नीड्स होती है वो भी
उसके लिए भी काफ़ी लोगों को मतलब दूर दूर जाना पड़ता है, जैसे दुकान नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, उसके लिए उनको दिक्कत बहुत ही मतलब रास्ते भी ऐसे हैं कि गांव भी मतलब काफ़ी काफ़ी दूर है, मतलब अगर किसी बच्चे को स्कूल भी जाना हो चार चार पाँच पाँच घंटे तो उसको पैदल ही चलना पड़ता है, दिक्कत है। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ अभी ये थोड़ा बिजी है अपना सी टेट भर रहे हैं क्योंकि आज लास्ट डेट है सर। मैं भी भरना चाहता सी टेट बट साइड नहीं चल रही ना काफी मुश्किल। फ्रेंड्स आप सभी एक बात अंतिम में रखना चाह रहा हूँ, बात रखनी अंतिम बात रखिए सर। एक तो चलो अपने कलाम हाउस को तो मैंने बता दिया, अगला रहा स्कूल का तो मैं चाहता हूँ कि इस बार कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में धर्मशाला में युवा शिक्षण प्रशिक्षकों को ना भेजा जाए, क्योंकि या तो वरिष्ठ को भेजा जाए या लड़कों को भेजा ही नहीं जाए। इस बात को मैं नोट में लाया जाए, हो सकता है कि इस बात को मैं आगे प्रशासन या हमारे विद्यालय के जो भी चलाने वाले संचालित करने वाले लोग हैं उनके सामने रखूंगा, परंतु मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये ना सोचे कि हमें वहाँ मौका मिले, आगे आप खुद समझदार हैं समझ सकते हैं, खतरे की निशानी है। ओके सर, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके। हमारे से बात करके सभी को सर अच्छा ही लगता है। एंड एक बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लगते हैं अच्छे सबको हैं, परंतु प्यारे नहीं लगते, अच्छे सबको लगते हैं कि बंदा ठीक है। एक जो होता है वो बात नहीं बनती। प्यारे हैं सर आप, काफी प्यारे लोग हैं। जो एक विशेष वर्ग से मैं सुनना चाहता हूँ वो चीजें नहीं मिल रही है। विशेष वर्ग ये मैं जन्म जात सुनता रहा, ये मैं जन्म जात सुनता रहा हूँ कि मैं प्यारा हूँ, अच्छा हूँ, काम अच्छा करता हूँ, तो एक जो विशेष शब्दावली या होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बाकी बस सब हो गया। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता अपने अपने वाणी पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस अभी हमारे साथ हैं संदीप भाई एंड विकास भाई, हिमराज भाई के चैनल को एंड संदीप भाई ऊंचाइयों में पहुंचा दीजिए। ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो स्किल्स है उसमें आप एक्सपीरियंस बताएं आप। मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। मेरी क्लास में तो ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, वो स्मार्ट बोर्ड है, वो भी चलता रहता है बहुत बहुत ज्यादा ना। आपको कैसा लग रहा है? मुझे जो आलोचना है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें सहनी पड़ रही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना धीरे धीरे, कहीं ना कहीं हमारे काम ही जरूर आएगी ये आगे है ना। अभी हमें बहुत बुरी लग रही है, ज़्यादा काम है, लिखना बहुत पड़ता है, लेकिन आएंगी काम। और लग रहा है कि जो प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा इनका ज़्यादा उतना, लेकिन होगा। हम अभी यहाँ कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि अगर जैसे वो बोलते हैं स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी है तो वो भी लिखनी पड़ रही है कि स्टूडेंट टीचर को समझाते हुए, अब वो होगा ही होगा भाई, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। हेलो, जय श्री राम। हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? क्या लग रहा, धूप लगी है हमें, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हम। अच्छे तो मैम क्यों बैठो यहाँ पे? बस वेट कर रहे हैं कल्चर प्रोग्राम वाली मीटिंग हो रही है, हम उसका वेट कर रहे हैं, सीआर का वेट कर रहे हैं, सीआर। आपका एक्सपीरियंस इस कॉलेज में अभी तक अच्छा था, बट आने वाला बहुत बुरा है। HPU जाने से बेहतर है मैं यहाँ पे हूँ, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाने से बेहतर है मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, मतलब आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफर करोगे कि धर्मशाला आ जाएं? हाँ, अगर मस्ती करनी है, इंजॉय करना है थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस के साथ, तो धर्मशाला आओ। अगर टोटली मतलब अपनी प्रिपरेशन करनी है और बिल्कुल भी नहीं देखना है कि ट्रेनिंग एक्चुअल में क्या है, तो ठीक है HPU जाओ। और अगर बिल्कुल पैसा बहाना है तो प्राइवेट। अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली देखना है कि किस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग होती है, तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी धर्मशाला कॉलेज। थोड़ा धर्मशाला प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल सारे हैं, बहुत प्रोफेशनल, लेकिन इधर है ये मिड, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके चलता है, एंजॉयमेंट भी, थोड़ा सा स्ट्रेस भी, सब कुछ ओवरऑल लेवल मतलब ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड टीचर्स के बारे में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे, डाउन टू अर्थ। मित्र ब्लॉग बन रहा है, मित्र जी को कवर कीजिए। मित्र कहाँ से हो आप? मैम मैं शिमला। कहाँ से? शिमला में। कहाँ से? वहाँ के जो सेब हैं वो काफी फेमस हैं, मुझे लाओगे एक पेटी? हाँ पक्का। फ्री में? देखो ठीक है ठीक है। आपको स्टडी
आपको यहाँ का जो एक्सपीरियंस है स्टडी पढ़ने का अच्छा एंड यहाँ का तो अच्छा पर मेरा अच्छा नहीं है, मैं खुद आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या एंड मैम अर्पना मैम आप बताइए कि जो एंट्रेंस होगा बीएड का भी तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, मतलब किस हिसाब से आपने तैयारी की थी अपने एंट्रेंस की वो बताएं। स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं था आपका स्पेसिफिक इन द सेंस कि जैसे मैं थोड़ा टाइम लाइब्रेरी में थी तो मैंने पढ़ा हुआ था जो जो सिलेबस रहता है हमारा, मैंने एक्स्ट्रा कुछ कमिटीज कमीशंस पढ़े थे बस फिर उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। मैम आपने कहां से किया था तैयारी? सर मैंने तो तैयारी की मैं ऐसे ही, मेरे को जीके में इंटरेस्ट है तो प्रिया को पूछो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेन है जो क्वेश्चन पढ़ो आप उनको एनालाइज करो उसके बेस पे तैयारी। ओके तैयारी की थी आपने बीएड एंट्रेंस की, काफी लोग पूछते हैं कि बुक्स कोई रेफर करोगे आप? मैं 5 बजे उठती थी रात को, नहीं नहीं सुबह 3 बजे सोती थी। आप बताइए आप भी बताएंगे ये स्ट्रगल था 2 घंटे की नींद का। ओके मैम जैसे मान लो आप बुक वगैरह कौन सी पढ़ते थे? बुक वगैरह सारी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी सब कुछ मैंने सब कुछ पढ़ा था तब तभी तो इतने ज्यादा नंबर आए मेरे, टॉपर थी मैं 125 झूठ नहीं बोलना। तो शिवानी मैम आपने क्या पढ़ा था एंट्रेंस के लिए? एंट्रेंस के लिए ये जो बीएड का मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। इंटेलिजेंट पीपल इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं पर मतलब ऐसी तैयारी चली हुई थी थोड़ी बहुत, अभी ज्यादा पढ़ा भी नहीं था पर मतलब बीएड के लिए नहीं पढ़ा था तैयारी का था। सो आपका आप टीचर बाय चॉइस हो या बाय चांस बनना चाहते हैं? बाय चांस। ओके मैम सो एंड यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, क्या ही बोलूँगा। टीचर्स स्पोर्टिव। हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम कप्तान। कप्तान कौन है? कप्तान सर मेरा नाम ही कप्तान है। नहीं नहीं हमारे सीनियर दीक्षांत भाई, भाई क्या चल रहा था अंदर? ये हमारा एक सहज योग का लेक्चर था अंदर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सहज योगा नड्डी में, एक स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है सहज योगा का, तो वहाँ से हमारे गेस्ट लेक्चरर आए थे तो उन्होंने हमें सहज योगा के बारे में बताया कि सहज योग होता क्या है, उससे आपको क्या बेनिफिट है। तो हमारा ये जो लेक्चर का एक्सपीरियंस था आई थिंक 1-1.5 आवर का लेक्चर हुआ ये हमारा, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सहज योग का आगे क्या बेनिफिट्स है, तो मैं ये हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अंदर उनके साथ। और मैं चाहूँगा कि जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं डेफिनेटली सहज योग के बारे में जानें और हो सके तो इसके लिए प्रैक्टिस कर सकें। और आप सहज योग आपने नहीं नहीं मैंने इससे पहले कभी सहज योग नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा ये सहज योगा के साथ। तो आप और मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा सहज योगा से, तो मैं डेफिनेटली आई विल गिव इट अ ट्राई। ओके आप से योगा तो योगा ही है बाकी तो चलो योगा बाकी तो हमसे ही होगा योगा से ही होगा। ओके सर बाकी सारे मैं यही बोलना चाहूंगा जितने भी मतलब सुन रहे हैं लोग कि देखिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन की शांति और मस्तिष्क और शरीर की शांति दोनों जरूरी है। ये आपके शरीर और मस्तिष्क को ध्यान इसका वो रखता है, मतलब ध्यान केंद्रित रखता है और साथ में आपको एक अच्छा और सतर्क नागरिक भी बनाता है। धन्यवाद। ओके थैंक यू। ये थे सहज योगा मेडिटेशन, आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ, इसमें आपके चक्र भी है, सारे चक्र जो जगाने होते हैं जगाने होते हैं
आप पढ़ सकते हैं सभी चक्र के बारे में। ये हमारे छिपिंदर, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये भी हमारे मंडी छिपिंदर पाल। हेलो सर, कहाँ से सर आप? सर मैं मंडी जिला से हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम छिपिंदर है। और कैसा कैसा एक्सपीरियंस था आपका आज योगा का, मेडिटेशन का? परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए मेरे को। बिल्कुल आज। सर आपका एक्सपीरियंस? बस आत्मा से परमात्मा मिलन, बस पंखी क्या हुआ। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जो है आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन हो चुका है। ओके सर, थैंक यू। सहज योग में यही है कि आत्मा का परमात्मा से। सो गाइस, आज का हमारा जो दिनचर्या थी, मतलब हमने क्लासेस लगाई और उसके बाद जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग प्रैक्टिस की, और वहाँ पर काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा मुझे, लेकिन ठीक है, सीखने के लिए आलोचनाएं भी होती हैं कई बार, और वहीं से इंसान सीखता है। और इसके साथ ब्लैक बोर्ड राइटिंग के बाद हम आ गए यहाँ पर और सहज योग की हमने क्लास लगाई, और उसके बाद हमने अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस। वॉलीबॉल की गेम खेली जा रही है, उसमें रूल का तो कोई पता नहीं है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रूल्स रेगुलेशन, पानी में गए छपाक। हमें मिले हमारे सीनियर्स, मल्टी टैलेंट सुपरस्टार सीनियर। कल्चरल प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप? जज बन चुके हैं। अब मैंने इतनी सावधानी से मुझे जज बनना पड़ रहा है। ओह क्या बात। पर ये लीक नहीं करना, ठीक है? नहीं करते कुछ। सो गाइस, मैं घूम रहा हूँ ऐसे, लोग यहाँ पर कल्चरल फेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। अरुणदाई, कैसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ पर पहुँच चुका हूँ। आपको भी मुझे देखकर एंजॉयमेंट आ रहा होगा। इयर्स हैं, उन्होंने गाना गाया था, दो दिल मिल रहे हैं मगर
छुपके छुपके सबको सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर छुपके छुपके। ओह तो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू गाइस एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को इफ यू लाइकिंग, यू माइट बी एंजॉयिंग इट।